जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता के कारण धीरे धीरे पकड़ में है। पिछले 10 वर्षों का आंकड़ा उठाइएगा तो 2.2 से घट करके 2.0 आया है राष्ट्रीय औसत पर। स्वतः जागरूकता से घट रहा है जनसंख्या, इसलिए इसमें किसी प्रकार के कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। मोहन भागवत जी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के खिलाफ, क्षेत्र विशेष के खिलाफ फैलाते रहे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार, फर्स्ट में देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना रहमान। एक बार फिर से देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो मुद्दा है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। बता दें आपको कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या पर एक समान नीति बनाने की जरूरत है। जिसके बाद बिहार में भी राजनीति काफी गर्म हुई हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ मोहन भागवत पर आरजेडी जो है ये आरोप लगा रही है कि वो बीजेपी का जो एजेंडा है वो धर्म विशेष जगहों पर फैलाना चाह रहे हैं, और जो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो एक बीजेपी का एजेंडा है और जिसको मोहन भागवत फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि आरजेडी साफ तौर पर ये कह रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब लोग खुद ही जागरूक हो रहे हैं। बता दें आपको कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, उनका बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि 10 सालों से अगर देखा जाए जो आंकड़े हैं उनमें कमी आई है, यानी कि 10 सालों में जो आंकड़े 2.2 हुआ करते थे वो अब 2.0 है। सबसे पहले आप सुनिए क्या कुछ मोहन भागवत के जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाने के बयान पर आरजेडी कहती हुई नजर आ रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जनसंख्या नियंत्रण का राग फिर उन्होंने छेड़ा है। 2015 में उन्होंने आरक्षण की समीक्षा की बात की थी। ज्ञात हो जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता के कारण धीरे धीरे पकड़ में है। पिछले 10 वर्षों का आंकड़ा उठाइएगा तो 2.2 से घट करके 2.0 आया है राष्ट्रीय औसत पर। तो स्वतः जागरूकता से घट रहा है जनसंख्या, इसलिए इसमें किसी प्रकार के कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। और मोहन भागवत जी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को धर्म विशेष के खिलाफ, क्षेत्र विशेष के खिलाफ फैलाते रहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिलहाल ये इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।